नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सुबह के 7:30 बज गए हैं और हम सुबह ही उठ गए थे और झाड़ू वगैरह हो गया है। तो यहाँ पे हम सब्जी काट रहे हैं और सब्जी आलू और बीन की सब्जी बना रहे हैं नाश्ते में, क्योंकि आज हमें कहीं निकलना भी है और अचानक से ही जाना पड़ रहा है और कलर में का भी घर में काम लगा हुआ है। तो मिस्त्री लोग आएंगे तो उन्हें हमें नाश्ता और खाना दोनों ही खिलाना है। तो यहाँ पे हम सब्जी काट लिए हैं और हम आलू छील रहे हैं और ट्रेन के लिए हमें आलू की कचौड़ियाँ बनानी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आलू छील करके रख लेते हैं। आज हमारे घर में काम बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है, इसलिए हम यहाँ पे फटाफट काम कर रहे हैं क्योंकि शाम के 6 बजे की ट्रेन है। तो यहाँ पे हम मलाई से मक्खन निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे फ्रिज में मलाई भी था और वैसे तो भर गया था, पर फिर भी समय नहीं रहने के कारण हम नहीं निकाल सके थे। तो आज निकाल रहे हैं क्योंकि हम जब चले जाएंगे तो फ्रिज में मलाई ख़राब हो जाएगी और हम लोग 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर से ही ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मक्खन निकाल रह रहे हैं और ये देखिए मक्खन निकल गया है। तो अब हम मक्खन को छान निकल के और इसका घी बना लेंगे। तो ये देखिए मलाई से मक्खन हमारा अलग हो गया और ये हाथ से मक्खन निकालने वाला, इसे हम दल घोटनी कहते हैं और इसी से हम मक्खन निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मक्खन अलग हो गया है। तो अब हम हाथों की सहायता से मक्खन को निकाल लेंगे और ये ज़्यादा दिन का मलाई नहीं था, ये लगभग 4 से 5 दिन का ही मलाई है और हम लोग मलाई नहीं खाते हैं तो उसकी हम घी बना लेते हैं। तो ये देखिए मक्खन हम निकाल लिए हैं और इसे हम 1-2 बार पानी से अच्छे से धो देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा उसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मक्खन को हम धो दिए हैं और जो इसमें दूध जैसा पानी जो दिख रहा है उसे हम इसी बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे और इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इससे अच्छा पनीर निकल जाता है। तो हम पनीर निकाल लेंगे और हम आपको दिखाएंगे भी कि पनीर कितना अच्छा से निकल जाता है। तो ये देखिए हम मक्खन निकला हुआ पानी चढ़ा दिए हैं और ये बिल्कुल दूध की तरह है और इसे हम पनीर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इंडक्शन पे चढ़ा दिए हैं और एक तरफ हम मक्खन को भी चढ़ा देंगे जिससे घी निकल आएगा। तो एक तरफ हम मक्खन चढ़ा दिए हैं और एक तरफ हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो हम एक तरफ हम सब्जी भी बना लेंगे, इससे फटाफट काम हो जाएगा, तो आपको दिख भी रहा होगा और हम मक्खन को चलाते रहेंगे नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। तो ये देखिए मक्खन हमारा खौलने लगा है और मक्खन से घी अलग होने लगा है, आपको दिख रहा होगा, इसे हमें और पकाना है। तो मक्खन से घी हमारा बन गया है और ये देखिए कितना उफन रहा है और इसमें फेना बहुत ज्यादा आ गया है क्योंकि कढ़ाई हमारा छोटा है, तो इसे हम चलाते रहेंगे नहीं तो घी कढ़ाई से बाहर आ जाएगा। और ये देखिए घी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, आपको दिख भी रहा होगा और बहुत ही अच्छा घी बना है। और इधर जो हम मक्खन वाला दूध चढ़ाए हुए थे वो फटा नहीं है, बिल्कुल दूध की तरह है। तो इसमें हम एक नींबू निचोड़ देंगे क्योंकि हम पनीर बना लेंगे इससे और पनीर हमारा यूज हो जाएगा नहीं तो इसे फेंकना पड़ जाएगा और फ्रिज में रख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें जाना भी है। तो दूध हमारा खौलने लगा है तो इसमें हम एक नींबू निचोड़ देंगे और हम बिजी थे तो मेरा बेटा नींबू निचोड़ रहा है।
तो ये देखिए, नींबू डाल देने से दूध हमारा फट गया है, और ये नॉर्मल दूध की तरह नहीं फटा है, ये दानेदार फटा है, क्योंकि वैसे भी इसमें से मलाई अलग हो गया है, पर इससे भी पनीर अच्छे से बन जाता है। तो अब हम इसे साफ कपड़े और सूती के कपड़े में छान लेंगे। तो ये देखिए, पनीर को हम छान दिए हैं और इसे एक दो बार हिला देंगे ताकि पनीर का आकार गोल हो जाए, और इसे हम ठंडा पानी से एक दो बार धो देंगे क्योंकि इसका जो खट्टापन होगा नींबू का वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम धो दिए हैं और इसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे, और आपको दिख भी रहा होगा कि इससे कितना अच्छा पनीर निकला है। और इसमें हम एक गांठ लगा करके और इसे हम रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और इधर हमारा सब्जी भी बन रहा है। तो ये देखिए, सब्जी हमारा बन गया है और ये अच्छे से पक गया है, और इधर घी भी हमारा ठंडा हो रहा है, तो घी को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। और ये घी का बर्तन है, इसमें हम घी रखते हैं, तो इसी में हम घी को छान देंगे ताकि जो भी घी में जल करके जो कचरा निकलता है वो छन जाएगा। और ये आपको घी काला दिख रहा होगा, पर ये घी बहुत ही अच्छा बना है, अभी गर्म है इसलिए ये काला दिख रहा है, और ये जमने के बाद बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, घी को हम छान लिए हैं और हम आपको दिखाते हैं कि घी हमारा कैसा बना है। तो ये देखिए, तो हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है और यहाँ पे पैकिंग हो रही है क्योंकि हमें अचानक से जाना पड़ रहा है। तो पैकिंग हम नहीं किए थे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फाइनली टिकट मिल गई है, तो वही पैकिंग चालू हो गया है। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कपड़ा दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग सभी लोग जा रहे हैं और ठंडा भी है, इसके कारण कपड़ा भी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था क्या कपड़ा ले नहीं ले, क्योंकि अचानक प्रोग्राम बनने से यही होता है, और हमें मार्केट भी निकलना है, खाना भी बनाना है। और यहाँ पे हमारी पैकिंग हो गई है, तो अब हम हस्बैंड की भी कुछ कपड़े रख लेते हैं। तो पैकिंग हमारा हो गया है और बच्चे की अभी पैकिंग बाकी है, तो बच्चे लोग अब कर लेंगे क्योंकि अभी हम मार्केट जाएंगे और मार्केट से आने के बाद हम खाना बनाएंगे। तो हम मार्केट से भी आ गए हैं और खाना पीना भी हम लोगों का हो गया है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा रहे हैं मिठाई बनाने के लिए, और ये तिल वाली मिठाई बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे तिल भून रहे हैं, और ये लगभग हाफ केजी से ऊपर ही तिल है। और तिल की ही मिठाई हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रीज में खोया पड़ा हुआ है और हम चले जाएंगे तो खोया भी ख़राब हो जाएगा, तो हम सोचे कि तिल की बर्फ़ी बना लेते हैं, तो मिठाई भी हो जाएगा और खोया भी हमारा यूज हो जाएगा। तो ये देखिए, तिल हमारी भुन गई है, तो ये देखिए तिल हमारा भुन गया है और ठंडा भी हो गया है, तो इसे हम मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं, और इसे हमें दरदरा ही रखना है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो यहाँ पे हम तिल को मिक्सी जार में डाल दिए हैं और गैस पे हम खोया गर्म कर लेते हैं। जब तक खोया हमारा गर्म होगा तब तक हम मिक्सी जार में जो तिल डाले हुए इसको हम पीस लेंगे, और इसे हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, मोटा ही रखना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। खोया हमारा थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें हम चीनी डाल देंगे, और चीनी को थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमें चीनी पाउडर भी डालना है। और चीनी हम पहले इसलिए डाले हैं कि क्योंकि थोड़ा खोया निकाल लेंगे, क्योंकि ये 1 केजी खोया है और हमें तिल की बर्फी थोड़ा ही बनाना है, तो थोड़ा सा खोया निकाल देंगे मीठी वाली, और जब बर्फी बनाएंगे तो हम शुगर पाउडर यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, चीनी डालने के कारण खोया थोड़ा रसीला हो गया है, तो अब हम थोड़ा सा निकाल लेंगे। खोया हमारा रेडी हो गया है और ये थोड़ा गर्म ही है तभी हम बर्फी बनाएंगे, तो हम जो तिल की पाउडर बना के रखे थे उसे अब हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे।
तो यहाँ पे हम तिल का पाउडर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और जो बचा हुआ भी पाउडर है उसे भी अब हम मिक्स कर लेंगे। तो सभी पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पे हम शुगर पाउडर यूज़ करेंगे और ये शुगर पाउडर घर का ही किया हुआ है और शुगर पाउडर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए खोया और तिल पाउडर और चीनी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मिक्सचर को हम थाली में घी का ग्रीसिंग करके और इसे अब हम पलट लेंगे। तो सभी मिक्सचर को हम थाली में पलट देंगे और इसे हम अच्छे से फैला देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तब हम इसे बर्फी आकार में इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए बर्फी हमारा ठंडा हो गया है और यहाँ पे बेटा हमारा कट कर रहा है क्योंकि हमें ट्रेन पकड़ने का भी टाइम हो गया है। तो हम रेडी हो रहे थे और बेटा वीडियो को कंप्लीट कर रहा था। तो बर्फी हमारा कट हो गया और इसे अब हम डब्बे में पैक कर लेते हैं क्योंकि निकलने का भी टाइम हो गया है। टाइम के 5:30 हो गए हैं और 6 बजे की ट्रेन है तो फटाफट से हम इसे पैक कर लेते हैं। तो यही तक थी आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।